आरजेडी शुरू से ही तैयार है, केवल चुनाव ही नहीं, हमारा स्टैंड था और पार्टी के लोगों का स्टैंड था, तेजस्वी जी का स्टैंड था कि जिस तरीके से कोविड है और बाढ़ की जो स्थिति बनी हुई थी, ऐसे सिचुएशन में सरकार चुनाव ना कराए, आना ही देगी, क्योंकि चुनाव के लिए लोग पूरे तरीके से बेचैन हम लोग नहीं थे, चुनाव के लिए जो बेचैन थी सरकार थी बेचैन कि जल्द से चुनाव हो कि सुपड़ा साफ हो। तो जनता जिस तरीके से बेहाल है पूरे तरीके से, कोरोना में कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग का बुरा स्थिति है, बिहार में बाढ़ की स्थिति है, मौसम लगातार ख़राब हो रहा है, और ऐसे सिचुएशन में सरकार चुनाव कराना चाह रही है। तो हमारा ये स्टैंड था कि जिस तरीके से हमने बाढ़ में भी घूमने का काम किया, लोगों से मिलने का काम किया, लालू की रसोई का भी लगाने का हमने काम किया, और चुनाव क्योंकि नीतीश कुमार जी न घर से बाहर निकले ऐसे सिचुएशन में, बिहार की बदतर से बदतर स्थिति बनी हुई है, और अभी भी न कोई तो गरीब जनता को पूछता है, हत्या वैसा ही होता है, मर्डर रोज वैसा ही होता है, पूरे तरीके से आपदा का स्थिति बना हुआ है, बिहार पूरे तरीके से कंगाल हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसान मर रहे हैं, किसान का खेती डूब गया है, तो ये सब पूरे तरीके से मुद्दा ही मुद्दा छिड़ा हुआ है। और ऐसे सिचुएशन में जबकि किसान मर रहे हैं और बेहाल है पूरी बिहार की जनता, और ऐसे सिचुएशन में ये जो सरकार है, निकम्मी सरकार, पूरे तरीके से ये चुनाव कराने के लिए अपना कुर्सी से चिपके रहना चाहती है, कुर्सी नहीं छूट रहा है इनसे, जब कुर्सी नहीं छूट रहा है तो क्या बिहार का विकास करेंगे, क्या डेवलपमेंट का काम करेंगे। आप बाढ़ में भी गए थे लगातार, बाढ़ में क्या, लगातार हम लोगों से संपर्क साधने का भी काम कर रहे हैं और लालू की रसोई को भी चलवाने का काम कर रहे हैं, अब बाढ़ में भी लगातार हमने दौरा करने का काम किया। बीजेपी के बड़ा सवाल ये है कि रघुवंश राव पिछले कई महीनों से पार्टी से नाराज चल रहे हैं और चुनाव कौन नाराज चल रहा, कौन नहीं नाराज चल रहा, वो सिचुएशन हमारे लिए नहीं है। हमारा सिचुएशन है कि हमारा बिहार क्या है, हमारा बिहार किस सिचुएशन से गुजर रहा है, हमारा ये मेन मकसद है। पार्टी है, पार्टी समुंदर होता है, एक लोटा जल निकाल करके बाहर कर देगा तो पानी खत्म नहीं होता है, इसलिए पार्टी में लोग है, संगठन में नाराज चलते हैं लेकिन सब मान भी जाते हैं, तो ये एक तरीके का परिवार है, परिवार में नाराजगी चलते रहती है, इस पे कोई मायने नहीं है। मायने है हमारा कि बिहार किस स्थिति में है और नीतीश कुमार जी आखिर क्यों सोए हुए हैं, आखिर क्यों नहीं उनकी नींद टूटती है, क्यों नहीं जनता को देखने के लिए जाते हैं, जनता पूरे तरीके से बेहाल पड़ा हुआ है, ये हमारा मकसद है। रोज हम लोग तेजस्वी जी हैं, हम लोग हैं, लगातार हम लोग हमला करने का काम करते हैं। कल नीतीश कुमार ने पार्क का उद्घाटन किया, जू भी गए घूमने के लिए, एक तरफ कोरोना है, देखिए जू जा रहे हैं, वो जू जाएं, राजगीर में जाएं घूमने के लिए, कहाँ कहाँ उनका वही काम है, केवल घूमना फिरना उनका काम हो गया, मकसद उनका वही हो गया। बिहार के लोगों ने, करोड़ों लोगों ने चुन करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और उस व्यक्ति ने अपने पद को भी धूमिल करने का काम किया, जो जिम्मेवारी से भाग गया आदमी वो बिहार का कोई विकास नहीं कर पाएगा, आजीवन कभी नहीं कर पाएगा। और ऐसे सिचुएशन में जबकि बिहार में जो, बिहार में जो बाढ़ आया हुआ है, जो ग्रसित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को सुख में दुख में जाना चाहिए नीतीश कुमार जी को, क्यों नहीं जा रहे हैं नीतीश कुमार जी, जाकर के हाल चाल लेना चाहिए लोगों से, तो ये पार्क में जा रहे हैं, तब पार्क खोलवा रहे हैं। एक सवाल है कि बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को ट्विटर और फेसबुक छोड़ देना चाहिए। हम जो इस तरीके का जो आरोप लगाए हुए हैं, हम उन्हीं को बोलना चाहते हैं कि वही राजनीति छोड़ दें, वही राजनीति छोड़ दें ताकि देश दुनिया का भला हो, बीजेपी सरकार भागे, आरएसएस भागे, हम ये चाहते हैं। और पूरी बिहार की जनता, हम ही नहीं, पूरी बिहार की जनता और पूरे देश की जनता चाहते हैं कि आरएसएस वाले, भाजपाइया, भगवा झंडा वाले भागे यहाँ से। सर, दलित को लेकर बात हो रही है, दलित नेता आपके साथ माझी जी थे नहीं है और कोई दलित नेता नहीं है, क्या कुछ कीजिएगा दलित वोट बैंक के लिए? देखिए, दलित लोग तमाम लोग हैं, हमने आपको कहा जिस तरीके से आपने सवाल करने का काम किया कि नाराज चल रहे हैं लोग, क्या हैं क्या नहीं है, चुनाव आता है तो ऐसे ही लोग नाराज चलते हैं लेकिन फिर बाद में मान भी जाते हैं, तो ये संगठन है, चुनाव होता है, इस तरीके का लोग
लेकिन दलित का भी और पूरे तरीके से हमारे साथ हैं और हम सबको साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। सर, COVID-19 में लगातार डॉक्टरों भी मर रहे हैं लेकिन बिहार सरकार किसी भी तरीके का कोई संज्ञान नहीं ले रही है। आम जनता मर गया, आम जनता एम्स में, एम्स जो अस्पताल है ना, आप देखे हैं एम्स अस्पताल जो है, वहाँ पे एक कोरोना का पेशेंट चिल्लाते रह गया कि हमको इलाज चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, उसको नहीं मिला। क्या किया उसने, छत से कूद के अपनी जान दे दी उसने। ये स्थिति बनी हुई है, आम जनता आम जनता है। डॉक्टर हो गया, कलेक्टर हो गया, डीएम हो गया, सबको कोरोना धर रहा है। मंत्री हो गया, सबको कोरोना धर रहा है। और नीतीश कुमार जी कुर्सी में फेविकॉल लग गया है, छूट नहीं रहा है। लेकिन सर कांग्रेस, लेकिन आखिर सवाल सर, नीतीश कांग्रेस जो है मीरा कुमार के नाम सामने ला रहा है दलित के नाम पे बिहार चुनाव में, ऐसे में वोट बैंक जो रहेगा। देखिए कांग्रेस का क्या है, आप कांग्रेस से सवाल कीजिए, हमारा जो है संगठन का उससे सवाल कीजिए। चलिए।